अस्सलाम वालेकुम लिया नैरो, मैं तकरीबन 20 साल से चंद पहले साल की उम्र में था, 8 मेरे पास बिजनेसेस थे, 2 मैंने बेच दिए, 5 मैंने ठप दिए। क्यों? क्योंकि एक उनमें से तेजी पकड़ रहा था। वो बिजनेस क्या था, कौन सा था? आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, फॉग थी। उसने मुझे 21 साल की उम्र में डॉलर मिलियनेयर बना दिया, उसने मुझे बिलियन यूजर्स दिए, गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू सेटल माई सेल्फ, एस्टैब्लिश माई सेल्फ, हौसला दे दिया, एक इंडस्ट्री का मास्टर बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर एक यार स्टेटमेंट होती है कि हर कामयाब बंदा जो होता है उसके पास 7 ज़राए इनकम के होने चाहिए। मेरे पास तो 8 थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई 7 को छोड़ दिया एंड 1 पे फोकस किया। इसकी वजाहत कर देता हूँ। आई वॉज लाइक 18, 19, 20 और मैं भूखा था, आग लगी हुई थी मुझे, मुझे पैसे कमाने थे, मैं हसलिंग कर रहा था, हर जगह हाथ पाँव मार रहा था। सो आई हैड एक्यूमुलेटेड दीज बिजनेसेस, जो कोई क्या कोई एडी वड्डी शायद नहीं थे, एक सर्च इंजन बेस्ड था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कह लो जिसे आप कहते हो, एक वो था जी जिसको फ्री लांसिंग हम बोलते हैं, बट उस वक्त फ्री लांसिंग नहीं होती थी, उस वक्त प्लेटफॉर्म्स कम और एक्चुअल इंडिविजुअल वेबसाइट्स होती थी। और क्योंकि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती थी, तो आई वाज लाइक रैंकिंग एट नंबर 1 फॉर बैनर मेकिंग एंड फला फला। यबल होता था, यानी कि जिस तरह आज @gmail.com है तो @yabal.com होता था, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। उसमें से 2 ही बिके थे, SEO वाला बिका और yabal.com बिका। क्यों? ये फॉर्मल थे, ये इनका एक सिस्टम था, इनका एक प्रोडक्ट था, इनकी एक पाइपलाइन थी, ये बिक गए। जो दूसरे 5 थे वो दे वर जस्ट लाइक यल्ले बल्ले, वो ये 3 थे, उनका कोई सिस्टम नहीं था, उनको कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि दे वर ऑल अल्टीमेटली मी। और जो छठा था वो था मेरा वही जो आपको बताया, जो बाद में fog.com बना। आई हैड टू फोकस ऑन वन, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो एक कहावत ये कि हर कामयाब बंदे के, अमीर बंदे के 7 ज़राए होते हैं इनकम के, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 22 हैं राइट नाउ। लेकिन उस वक्त मैंने सब कुछ छोड़कर हाथ पांव सारे मारे तो उस एक बिजनेस पे, ठीक है, मैंने अपना सारा जो फोकस, अपनी जो एनर्जी है एक चीज़ पे लगाई, बिकॉज करनी पड़ती है। मैं इलोन मस्क तो नहीं हूँ, लेकिन इलोन मस्क की आपको मिसाल दे देता हूँ। उसने क्या बनाया, एक तरफ पेपाल बन रहा था, दूसरी तरफ उसने x.com बनाया, दोनों का मर्जर हुआ, 50-50 दोनों मालिक बने, पेपाल के को फाउंडर्स बन गए, वो बिका, तो फिर कन्फर्म हो गया था कि इलोन मस्क मेगा मिलियनेयर है। बाद में जाके उसने रॉकेट्स और गाड़ियाँ और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सोलर पैनल्स और उसमें यानी बैटरी के वाले जो बिजनेस में वो गया और अल्हम्दुलिल्लाह छा गया, इंक्लूडिंग सोशल नेटवर्क x.com जो पहले ट्विटर हुआ करती। इसी तरह जब मैंने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, अब मुझे अश्योरिटी हो गई अल्लाह रिस्क देने वाला है, बट इंसान की जहाँ तक हद होती है कि यार यहाँ से मैं गिर नहीं सकता, यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता, तो तब जाके मैंने ना और बड़ी चीज़ों में हाथ डाला। और मैंने ऐसे बड़ी वो चीज़ें जहाँ मुझे वो मायने देती थी, रखती थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने दुनिया भर की 2 शादियाँ करवानी हैं। क्यों करवानी? मैं इसको आम कर देना है, ऐमी फजूल का इसको ना हराम करार दिया, तो मैंने वो करना है। मैंने आपको पैसे कमाना सिखा दिया, राइट, या शुरू कर दिया कम से कम। पैसे नहीं थे उसमें, लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं थी ना, मैंने कमा लिया था, अश्योरिटी थी, थिंग्स लाइक दैट। अब इसमें सबक क्या है आपके लिए, जो मैंने किया वही मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप यंग हैं तो हाथ पांव मारें, आप सिंगल हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मैंने खुद किया आप भी करें। फिर कोई पता नहीं जितनी जगह आप हाथ पांव मारें कौन सी चीज़ चल जाए। अब अगर सर्च इंजन की बात करें तो उस ज़माने में ना 30-40-50 मेजर सर्च इंजन हुआ करते थे, fast.ch हुआ करता था, गूगल का बा, उस वक्त गूगल था ही नहीं, गूगल बाद में आया, अल्टा विस्टा, पता नहीं लाइकॉस एंड एस जीव्स एंड पता नहीं कितने और हुआ करते थे। तो हो सकता था कि कल का मैं एक गूगल बना देता, उसमें भी पोटेंशियल थी। यबल अगर आप कहें तो आज अगर @gmail या @hotmail आपके पास ईमेल्स हैं तो हो सकता है कि आज @yabal.com होता। लेकिन वो क्या था कि अल्लाह ने उठाया एपलेट्स वाले काम को, वो बाद में गेम्स बना एंड फ्लैश आई और शॉकवेव आई वगैरह वगैरह, तो उसमें मैंने अपनी जो दौलत है वो कमा ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू नेवर नो, सो ये दूसरा लेसन है। और तीसरा लेसन ये है कि जब आपका एक काम चलने लग पड़े, एक काम में आपको महारत आ जाए, आपने उसका उस्ताद बनना है, बाकी सब आपने छोड़ देने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ, कि जब तक उस गाय को हमने सही तरह उसका दूध जो है ना वो हमने धो नहीं लिया, ठीक है, जब तक हमने उसका सारा कुछ आखिरी कतरे तक, वो जब तक मरती नहीं है ना, या आप सुपर एस्टेब्लिश नहीं होते, या आप वो सिस्टम किसी और के हवाले नहीं कर सकते, तब तक आपने उस पे ही फोकस करना है। 2-3 जगह पे आपका फोकस होगा तो इट्स नॉट गोना वर्क। एक बंदा जिस तरह मना ना कि यार गाड़ी चलाते हुए एक फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकता, यानी एक गाड़ी और ये, इमेजिन करें आप 4-4 चीज़ें कर रहे हो, यू कांट।
गाड़ी ने क्रैश कर जाना है, आप दूर नहीं जाएंगे, औरों को भी मरवाएंगे, ठीक है, इस काम में। सो दीज आर द 3 लेसन्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं ऑन द नाता ऑफ बींग योर बिग ब्रदर, आपको वो सिखा रहा हूँ। तो आई होप यू डू लर्न फ्रॉम देम, अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। अगर एज चली गई है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। मेरी उम्र से थोड़ से कम उम्र पे किसी ने ठान ली कि भाई मैंने व्हाट्सअप बनानी है एंड 19 बिलियन का बेच भी दिया एंड देयर इज नॉट अ सिंगल फोन स्मार्ट पूरी दुनिया में सही साउथ ईस्ट एशिया में जिनके पास व्हाट्सअप नहीं है, ओके तो वो भी उन्होंने व्हाट्सअप से इंस्पायर होकर चीज़ बनाई। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ जाचा वाला, याद दिलवा दूँ कि मेरी मिशन क्या है। इससे पहले कि गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। इंशाल्लाह।